हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम विकास यादव एंड टुडे वी आर गोना डू एंड कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बट बिफोर दैट ऑल यू नो दैट यू ऑल हैव अ लिटिल टास्क दैट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज आई एम वॉचिंग दैट यू ऑल आर लैगिंग बिहाइंड। आप लोग नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो हमको इंस्टाग्राम पे एंड यस ज्वाइन अस एट व्हाट्सएप फॉर अ मोर इन्फॉर्मेशन। सो इन लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड सम बॉडी पार्ट्स वेयर द डाइजेशन वाज अकरिंग। सो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विच वाज आवर माउथ एंड देन द फूड वाज ट्रांसफर्ड टू आवर स्टमक बाय द हेल्प ऑफ फूड पाइप। Then in stomach, our food was digested, and now after that, we are going to study our next organ, which is small intestine. So basically, what is small intestine? Small intestine को हम हिंदी में बोलते छोटी आंत। तो small intestine, देखिए हमारा ये portion, ये जो reddish portion है हमारा, ये हमारी small intestine। स्मॉल से आप ये मत समझ लेना, ये स्मॉल नहीं, ये स्मॉल जो अंदरूनी है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी हाईली कॉइल्ड 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। ये ट्यूब होती है जिसके अंदर हमारे बॉडी का जो भी फूड होता है, हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन हुआ उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है उस फूड को एब्जॉर्ब। इसके अंदर पार्शली फूड जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ होता वो थोड़ा बहुत जाकर डाइजेस्ट होता है। और इसके डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं हमारे बॉडी ग्लैंड्स जो हैं, जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, इनसे जो सिक्रीशन आता है वो थोड़ा बहुत हेल्प करती है। और जैसे कि हमारा खाना पूरी तरीके से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, और उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उस खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेट होता है वो खाना हमारे बॉडी में, यूटिलाइज होता है एंड आफ्टर दैट इट इज डाइजेस्टेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। सो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। देखिए यहाँ पे जब हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं ये, इनसे हमारा डिफरेंट डिफरेंट जूस सिक्रीट होता है। लाइक एज यू नो दिस इज आवर लीवर, दिस इज आवर पैंक्रियास एंड दिस इज पार्ट इज आवर गॉल ब्लैडर। सो बेसिकली व्हाट दीज ग्लैंड्स डू, दे सिक्रीट सम जूसेस। एंड व्हाट आर दो जूसेस? लिवर सिक्रीट बाइल जूस। मैं आपको इन सभी जूसेस जो ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ये सब एंजाइम होते हैं, और इनका क्या काम होता है ये भी बताऊंगा। पैनक्रियास सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस एंड गॉल ब्लैडर का काम होता है टू स्टोर रिमेनिंग बाइल जूस। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए यहां पे आप इस GIF के अंदर, इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारा ये लिवर है, ये जो रेडिश पोर्शन है, यहां से हमारे इस पैंक्रियास से यहां एक कॉमन डक्ट से हमारा जूस सिक्रीट हो रहा है। देखिए यहां एक कॉमन पैसेज से हमारा जूस आ रहा है, यहां से हमारा जो गॉल ब्लैडर है ये हमारा इसके अंदर बाइल जूस भरा हुआ है। और ये देखिए ये कॉमन पैसेज आ रहा है, यहां से भी आपका बाइल जूस आता है, ये हमारा पैनक्रियाज है, यहां से पैनक्रियाटिक जूस आता है। अब इन जूस का काम क्या होता है, इन एंजाइम्स का काम क्या होता है? इन एंजाइम्स का काम होता है हमारा पर्टिकुलर जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और सॉरी फैट्स एंड प्रोटीन्स,
इन सबको ब्रेक डाउन करके इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हमने जो खाना खाया वो सॉलिड फॉर्म में था, हमारे माउथ ने उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब हमारे पेट में गया, वो डाइजेस्ट हुआ, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट करने के बाद हमारी बॉडी उसको और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है इन एनर्जीज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब इसके बाद इनको और ज्यादा सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन करा जाता है और वो सिंपलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो दीज सिंपलर कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज। फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। ओके, सो बेसिकली इनका काम ये होता है, इन एंजाइम्स का, कि ये इन सभी कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करती हैं और इनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। यहाँ पे मेनली आप देख सकते हैं लीवर का काम, मेनली लीवर से जो बाइल जूस सिक्रेट होता है उसका काम होता है फैट्स को डिसॉल्व करना, यानी मेनली बाइल जूस का काम यहाँ पे होता है फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये जो मैंने फैट्स के लिए लिखा है ये बेसिकली यहाँ पे काम करता है लीवर। पैनक्रियास तीनों चीज पे काम करता है थोड़ा थोड़ा। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो तीनों चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये तीनों के ऊपर काम करता है और तीनों चीज को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जब ये सारी चीजें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसके बाद बारी आती है हमारे एब्जॉर्प्शन की। अब हमारा खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आवर बॉडी हैज डिसॉल्व्ड एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अब देखिए, अब ये एब्जॉर्ब होता कैसे है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काफी हेयर लाइक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको विलाय कहा जाता है। विलाय हमारी इस इमेज में जैसा दिख रहा है ऐसी दिखती है, और इनके ऊपर, इनके अंदर देखिए बहुत छोटी छोटी माइक्रो विलाय जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं माइक्रो विलाय, इनके ऊपर भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि छोटे फॉर्म में इन्हीं के जैसी होती है, यानी इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के जैसा एक छोटा वर्जन, बाल जितना बड़ा। और ये क्या काम करते हैं? ये खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये देखिए, ये हमारे फूड पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं और ये डायरेक्ट यहाँ से हमारे विलाय के अंदर एब्जॉर्ब होके यहाँ से ट्रांसफर हो जा रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। इन विलाय के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज आर वेब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी वेन्स एंड ब्लड वेसल्स। हमारी कैपिलरीज जो होती हैं ये हमारी ब्लड जो हमारे खून की नली होती है, खून की जो इन सब की हमारा होती है, इनकी वेसल्स होती हैं। और यहाँ पे इन विलाय के अंदर ये जो कैपिलरीज होती हैं इनके अंदर से ब्लड ट्रांसफर होता रहता है, तो डायरेक्टली हमारा जो खाना होता है वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और ब्लड के थ्रू हमारा ब्लड उस खाने को, उस न्यूट्रिएंट्स को हमारे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। यहीं पे साथ साथ में एब्जॉर्प्शन के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस और वर्क हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन इज द प्रोसेस विच इज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड विच इज एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी, यानी जो खाना हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब करा उस खाने को, उस न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने का प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। द फूड विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी व्हेन यूज्ड देन दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन और यू कैन से यूटिलाइजेशन और वी कैन से इट यूटिलाइजेशन, यानी इस्तेमाल करना।
तो जब जब जिस बॉडी पार्ट में हमारे ऑर्गन की जरूरत होती है वहां पे ये ब्लड वेसल्स जाती हैं, वो ट्रांसफर करती हैं, एनर्जी ट्रांसफर करती हैं और उस बॉडी ऑर्गन का काम चलता है। लाइक आई एम स्पीकिंग ना, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मुंह बोल रहा है, मेरा मुंह बोलने का काम कर रहा है, तो इस समय मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से मेरी जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है वहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंड आफ्टर दैट वो ब्लड वेसल्स मेरे माउथ तक आके मेरे माउथ को ब्लड ट्रांसफर कर रही है, जिसकी वजह से मेरे माउथ को एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, जिससे मैं कि बोल पा रहा हूँ। आप लोग के कान पे, कान के अंदर ब्लड वेसल्स जा रहे होंगे, आप लोग सुन पा रहे हैं, आँख में ट्रांसफर हो रहा है तो आप लोग देख पा रहे हैं। तो जितने जितने हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ वहाँ पे एनर्जी की जब प्रोवाइड एनर्जी की जब ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो हमारे ब्लड वहाँ पे जाके थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन वहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। एंड नाउ आवर नेक्स्ट ऑर्गन कम्स लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लुक लाइक दिस, और यू कैन सी हियर क्लियरली दैट लार्ज इंटेस्टाइन इज दिस पार्ट, ओके। एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन इट्स लेंथ इज 1.5 मीटर लॉन्ग एंड इट्स फंक्शन इज ओनली एंड ओनली टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स एंड सम मिनरल्स एंड विटामिन्स। इसका काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का बस इतना ही काम होता है कि हमारे ब्लड, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, उससे हमारे उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और थोड़ा बहुत सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। तो अब उसके बाद एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो बचा खुचा हमारा सॉलिड मटेरियल होता है वो ट्रांसफर हो जाता है रेक्टम में और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेमी सॉलिड फीसेस। फीसेस का मतलब यहाँ पे होता है डैट वेस्ट मटेरियल विच वी एक्सक्रीट फ्रॉम आवर बॉडी। लाइक जो हम बाथरूम जाते हैं और वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं उसी को कहा जाता है फीसेस, ओके, नॉट फेसेस, नॉट फाइसेस, इट्स फीसेस, एफ ए ई सी ई एस, फीसेस। और उसके बाद रेक्टम के अंदर हमारा रेक्टम है इज डैट पार्ट, यहाँ पे ये इतना सा पोर्शन हमारा रेक्टम का होता है, ये हमारा रेक्टम होता है, एंड हियर इट आवर एनस। एंड जब हमारे रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल हमारा आपका स्टोर होने लगता है, जब वो स्टोर हो जाता है, एक ऐसी लिमिट क्रॉस हो जाती है जब हमको फील होता है कि यस हमको हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर देना चाहिए, तब हमारे एनस से वो वेस्ट मटेरियल रिमूव कर दिया जाता है, एंड दैट पार्ट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। प्लीज नोट इट डाउन, द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन, ओके। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज इजेशन। समझ में आया, हमारे बॉडी का डाइजेशन यहाँ पे खत्म हमारे माउथ से चालू होता है और हमारे एनस तक आके स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन खत्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्प्शन चालू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारा एब्जॉर्प्शन चलता है, एंड आफ्टर दैट हमारा एनस से इजेशन हो जाता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन बोल के कंफ्यूज करा जा सकता है कि हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, आप लोग फटाक से जवाब दे दोगे माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे खत्म होता है। नो, हमारा बॉडी डाइजेशन चालू होता है हमारे माउथ से और एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, कीप दैट इन माइंड। हमारा रेस्पायरेशन चालू होता है माउथ से और एनस तक, नॉट डाइजेशन। हमारा डाइजेशन माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता है एंड आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डन। स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक एब्जॉर्प्शन होता है एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन थ्रू रेक्टम
एंड द बॉडी पार्ट ऑफ आर बॉडी एनस, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो इजेस्ट हो जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, एंड दैट इज नोन एज इजेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, बट बिफोर दैट हम एक कॉमन डिजीज के बारे में समझ लेते हैं, एंड दैट इज डायरिया। व्हाट इज डायरिया? डायरिया को हिंदी में बोलते हैं दस्त। अब दस्त तो आप लोग को कभी ना कभी ऑब्वियसली हुआ ही होगा। इंग्लिश में इसको डायरिया कहते हैं। अब देखिए, अब इतना तो आप लोग को पता है कि दस्त क्या होती है, तो आप लोग को ये भी पता होगा कि उसके अंदर हमारे बॉडी की कंडीशन क्या होती है। उस टाइम पे हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लिक्विड फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा इजेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा हमारा रिमूव होता है। उस केस में हमारे बॉडी से वाटर एंड सॉल्ट काफ़ी भारी मात्रा में लॉस हो जाता है। तो वाटर और सॉल्ट की कमी जब हो जाती है हमारे बॉडी में, इन दैट कंडीशन हमारे बॉडी में डायरिया के सिम्टम्स और डायरिया की कंडीशनिंग आती है। अब ये होता क्यों? ये होता है हमारा बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग एंड इनडाइजेशन। खाना अच्छे से ना पचने की वजह से, या फिर हमने कोई ऐसा खाना खा लिया जिससे कि हमारे पेट में फूड पॉइजनिंग हो गई है, इन दैट कंडीशन आर बॉडी एक्सपीरियंस डायरिया आ सकती है। किसी किसी के केसेस सकती है, किसी किसी के केसेस में। उस समय पे क्या करा जाता है? उस समय पे उस पर्सन को हम लोग ORS देते हैं। ORS तो आप लोग जानते ही होंगे। ORS की फुल फॉर्म यहाँ दिखी है, जिसको नहीं पता वो इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ORS मीन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आप इसको नोट डाउन कर लेंगे एंड याद रखेंगे, बिकॉज आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS, देन यू शुड नो दैट एट दैट पॉइंट दैट द फुल फॉर्म ऑफ ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब ORS होता क्या है? ORS इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन रिक्वायर्ड इन अ एब्सोल्यूट कंपोजिशन। सॉल्ट और शुगर का एक मिश्रण होता है, एक कॉम्पोजिशन होता है, जो कि हम गुनगुना करके ठंडे पानी में करके किसी पर्सन को दिया जाता है, जिससे कि उस पर्सन के बॉडी में ग्लूकोज की और सॉल्ट की कमी नहीं होती, उसकी पूर्ति हो जाती है। ओके, सो नाउ यू हैव ऑल्सो लर्न व्हाट इज डायरिया एंड हाउ वी शुड क्योर डायरिया, एंड लेट्स कम टू know about some other animals, that how they digest and how they eat and how they process their food, whatever they eat. So basically यहाँ पे grass eating animals की बात करेंगे हम। So grass eating animals में को कहा जाता है ruminants, इनको कहा जाता है ruminants कहा जाता है। अब रूमिनेंट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जितने भी हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, लाइक काउ, बफेलो, डियर, रैबिट, ये सब क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल है। ग्रास ईटिंग एनिमल और एनी प्लांट ईटिंग और प्लांट प्रोडक्ट ईटिंग एनिमल्स। ओके, सो व्हाट दे डू बेसिकली, दे बेसिकली swallow और intake grass, ये घास खाते हैं, और घास खाने के बाद इनका खाना इनकी बॉडी के एक पार्ट में जाके स्टोर होता है, which is called rumen। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, in which part their food stores, ये लोग जब खाना intake करते तो इनका खाना जाके एक बॉडी पार्ट के अंदर स्टोर होता है, विच इज कॉल्ड र्यूमेन। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाय ग्रास ईट कर रही है, तो घास खाने के बाद इनका फूड जाके र्यूमेन में स्टोर होता है, और यहाँ पे खाना
जो इनका होता है, यहाँ पे जो फूड होता है, ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। लाइक हमारे केस में क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे केस में फूड जाके एक ही बार में डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है, बट इन र्यूमेंस के, इन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता। खाना जाता है और इनके र्यूमेन में जाके स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और वहां से वापस से इनके मुंह पे आता है। आप देखते होंगे कि गाय एक बार खाना खाती है तो एक जगह वो शांति से बैठ के आराम से आंखें बंद करके जुगाली करती रहती है, मुंह चलाती रहती है। लाइक यू कैन सी हियर दिस गाय इज डूइंग, इट्स ओनली च्यूइंग एंड अपना मुंह चलाती रहती है। ओके, सो उस जो इनके मुंह में वापस खाना आता है, दैट इज नोन एज कड। सो दैट पार्शली डाइजेस्टेड फूड विच कम्स बैक टू देयर माउथ फ्रॉम र्यूमेन इज नोन एज कड। जो खाना इनके मुंह में वापिस आता है, इन्होंने एक बार खा लिया, वो पेट में जाके स्टोर कर लेती हैं। इन विच पार्ट? इन र्यूमेन। और र्यूमेन से खाना वापिस इनके मुंह में आता है एंड इट इज स्टोर्ड, इट कम्स बैक इन टू देयर माउथ एंड दैट फूड इज नोन एज कड। अब जब कड इनके मुंह में वापिस आता है छोटे छोटे लंप्स में, इन स्मॉल लंप्स, लंप्स, आफ्टर दैट ये उसको चबाती रहती है, दे कीप्स ऑन च्यूइंग इट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज र्यूमिनेशन। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कड इज नोन एज र्यूमिनेशन। प्लीज कीप ऑन नोटिंग डाउन इट। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कड इज नोन एज र्यूमिनेशन एंड द एनिमल्स विच डू इट आर नोन एज र्यूमिनेंट्स। If it's not clear here, I'm writing it here down. It's, they are called ruminants. Okay? So basically, I have to work on my writing because after writing on pad, I think my writing is not that good. मुझे पैड के ऊपर थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. And so yeah, अब बात यह आ जाती है कि एनिमल्स जो हैं ये सब, ये ग्रास खाते हैं और हम लोग नॉर्मल फूड खाते हैं। अगर हम लोग ग्रास खाएं तो क्या हम लोग भी जिंदा रह पाएंगे? हम लोग भी क्या पचा पाएंगे? द आंसर इज नो, वी कांट डाइजेस्ट दीज ग्रासेस एंड एनी प्लांट प्रोडक्ट्स एज दीज एनिमल्स डू, बिकॉज ये जो ग्रास खाते हैं, द ग्रास मोस्टली कंटेन्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज सेलुलोज। देखिए अभी सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें हमारे कई टाइप के हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेकडाउन होता है, दैट इज सेलुलोज, ग्लूकोज एंड स्टार्च। बेसिकली स्टार्च हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स स्टोर करते हैं, स्टार्च उन प्लांट्स का फूड होता है, ग्लूकोज हमारा फूड होता है एंड सेलुलोज होता है इन रूमिनेंट्स का।
नाउ अंडरस्टूड यू नो ऑल दैट कि किस किस टाइप के होते हैं. एंड एक और टाइप होता है, डोज आर सिंपली शुगर, सिंपल शुगर, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा. ओके बट मैं लिख देता हूँ, सिंपल शुगर. जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो ये सारे उसके कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर वो और ज्यादा ब्रेकडाउन करा जाता है. उसमें से एक है सेलुलोज. तो ये जो प्लांट्स, मतलब कि ये एनिमल्स जो हमारे ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, घास खाते हैं, इनके अंदर मोस्टली सेलुलोज होता है. बट हमारी बॉडी की क्या कंडीशन है, हमारी बॉडी सेलुलोज को नहीं पचा सकती. इनकी बॉडी सेलुलोज को पचाने के काबिल होती है. Why? Because इनके बॉडी में एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इनको वो सेलुलोज पचाने में हेल्प करती है. देखिए अब यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि फूड ये लोग खाते हैं, एक बार इनके फूड जाता है तो वापस से र्यूमेन के अंदर स्टोर होता है. र्यूमेन के अंदर स्टोर होने के बाद ये फूड वापस से जाता है इनके माउथ के पास स्मॉल स्मॉल लंप्स में. उसके बाद वो लोग जब उसको च्यू करते हैं, अच्छी तरह चबाते हैं छोटे छोटे हिस्से में, देन वो फूड वापस आता है. एंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, व्हाट आर दोस डिफरेंट पार्ट्स, ओमेसम, रेटिकुलम एंड एबोमेसम. फर्स्ट इट कम्स टू रेटिकुलम, आफ्टर दैट इट गोज टू ओमेसा, एंड आफ्टर दैट इट गोज टू एबोमेसम. दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टमक ऑफ काउ, और यू कैन से रूमिनेंट्स. ओके आफ्टर दैट इट गोज टू इंटेस्टाइन्स, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन अदर थिंग्स. सो ये था हमारा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रूमिनेंट्स के कैसे कैसे डाइजेशन होता है, उनकी बॉडी के अंदर किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट स्पेशली मिलता किस में है. सो ग्रास से मिलता है, ग्रास आर द रिच सोर्स ऑफ सेलुलोज. ओके सो बेसिकली दैट वाज इट. नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक, फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा. अब अमीबा यहाँ पे बात करी जा रही है अमीबा भी की, बट यहाँ पे बेसिकली हम बात यहाँ पे 90% सेल्स की, 90% यूनिसेलुलर सेल्स की. ओके यूनिसेलुलर. सो अगर आपसे कोई और सेल का नाम देके पूछा जाए कि बताइए उसके अंदर क्या प्रोसेसेस होते हैं, सो बेसिकली यू कैन आंसर दैट जो कि आपको अमीबा के अंदर बताएगा. जिस तरीके से अमीबा फूड इंटेक करता है, उसी तरीके से ऑलमोस्ट 90% यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, वायरसेस और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटेक देयर फूड. सो हाउ डू इट डज अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. इट इज मेनली फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड इट, डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल लाइक बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट साइटोप्लाज्म. सो बेसिकली इन दिस इमेज यू कैन सी दैट दैट हेयर इट्स इज न्यूक्लियस, दिस येलो पार्ट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड द स्मॉल बबल्स आर द अदर ऑर्गेनिलीज एंड वैक्यूल्स विच हेल्प्स इट इन डाइजेशन ऑफ एंड एनी बॉडी प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस ऑफ इट. दिस इज द रियल इमेज एंड दिस इज द रियल इमेज ऑफ ए लाइव अमीबा. इट इज कैप्चर्ड अंडर अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ कैमरा एंड वेरी हाई क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, इन विच यू कैन सी दैट अ रियल अमीबा इज मूविंग and it moves by the process of pseudopodia. So basically pseudopodia is a process by which an amoeba moves and
eats or you can say engulf its food. By the help of pseudopodia, it moves and engulfs its food. So how does it do it? देखिए यहाँ पे, the food becomes trapped in a food vacuole. First, amoeba goes to his source of food, like it is going, like here it is moving with the help of pseudopodia. And after that, when food is captured, it you can say surround itself around its food material, like here you can see that amoeba ने अपने आप को इसके चारों तरफ से घेर लिया है. इसके बाद ये इसको घेरने के बाद अपने आप में engulf कर लेता है, और उसके बाद इसके जो food vacuoles होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करके उस फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं. और डाइजेस्टेड फूड, जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, इसके बाद उस फूड मटेरियल से जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. एंड आफ्टर डैट उस न्यूट्रिएंट से जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुआ उसकी मदद से अमीबा फर्दर मोर लाइफ प्रोसेस अपनी चलाता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, ठीक अपनी नई जनरेशन में अपने आप को डिवाइड करता चला जाता है. एंड जो बाकी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है. लाइक इट इनटेक्स इट्स फूड, जैसे ये सूडोपोडिया की हेल्प से उसको एनगल्फ करता है, उसी तरीके से ये अपने बॉडी से उसको इजेस्ट भी कर देता है. सो हियर यू कैन सी दैट हियर इट इज न्यूक्लियस. And yet is this black portion is vacuole. Understood? So guys, this was the whole chapter, nutrition in animals. It is all completed. If you have any doubt or any complaints, you can comment in comment section, or you can contact us, or you can share your views on Instagram. And yeah, you can join us at WhatsApp. So yeah, this chapter is now also completed. So again, I have to say this, that like this video, share this video and subscribe this channel, and do follow us on Instagram and join us at WhatsApp. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.